हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास एट्थ के लिए है और आपके चैप्टर जो लास्ट चैप्टर था राहुल सर ने कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, लास्ट चैप्टर जो राहुल सर ने पढ़ाया था वो आपको रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स था, जो वो कंप्लीट करवा दिया था। इसके बाद चैप्टर 10 पर बढ़ते हैं, रीचिंग एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, हम वयस्क, एडोलसेंस का मतलब होता है वयस्क, वयस्क एज तक पहुंचने में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या ग्रोथ होती है, तो उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। इससे और चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ एट्थ क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगा सिटी, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। सबसे पहले चलते हैं एडोलसेंस पर बात करते हैं। ठीक है, टॉपिक आता है आपके सबसे पहले एडोलसेंस, SENCEND। ठीक है, एडोलसेंस एंड पॉवर्टी, PUBERTY, पॉवर्टी। एडोलसेंस एंड पॉवर्टी होती क्या है? ठीक है, PUBERTY। एडोलसेंस मैं आपको बता दूं, एडोलसेंस से ग्रोइंग, जो हमारा जो विकास होता है या बच्चे का विकास होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है। ये जो नेचुरल प्रोसेस होती है, एक लाइफ पीरियड ऑफ लाइफ होता है जिसमें एक बॉडी क्या होती है, कई सारे इसमें चेंजेज होते हैं और इसी चेंजेज को एडोलसेंस बोला जाता है। यानी कि ग्रोइंग अप इज ए नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, कि विकास होना क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है। और आप लोगों को बता दूं, जो एडोलसेंस होती है ये क्या होती है, द पीरियड ऑफ लाइफ। ठीक है, द पीरियड ऑफ लाइफ, ये लाइफ का पीरियड होता है जिसमें व्हेन द बॉडी ठीक है अंडरगोस, ठीक है, व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेज लीडिंग, ठीक है, व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव MATURITY मैच्योरिटी एज कॉल्ड, ठीक है, मैच्योरिटी इज कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे अपन, एडोलसेंस। ठीक है, ओके, मतलब एडोलसेंस में क्या होती है, बॉडी में कई सारे चेंजेज होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है एडोलसेंस। और लास्ट जो एज है वो कितनी एज से स्टार्ट होता है, 11 ईयर से, और कितना पहुंच जाता है, 18 ईयर्स बोल सकते हैं या 20 ईयर्स तक, मैक्सिमम 80 या बोल सकते हैं 20 भी नहीं बोल करके, कितनी 19 ईयर तक कई सारे चेंजेज हो जाते हैं। पॉवर्टी की बात करें तो आप लोगों को बता दूं कि पॉवर्टी जो होती है, पॉवर्टी क्या होती है, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कई चेंजेज होते हैं एडोलसेंस के दौरान, ये जो मार्क होते हैं पॉवर्टी के होते हैं, यानी कि बोल सकते हैं ये कई सारे चेंजेज होना। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज पॉवर्टी में लिखिएगा द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज, ठीक है, सेवरल चेंजेज क्या लिखा, द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। ठीक है, और जो, ठीक है, ड्यूरिंग एडोलसेंस इसे पॉवर्टी बोला जाता है। ठीक है, और कई सारे इसमें मैच्योरिटी वाले पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, आगे बात करें कि हाइट में जो पॉवर्टी में चेंजेस का मतलब है, पॉवर्टी में चेंजेस का मतलब है, ठीक है, इन हाइट, ठीक है, इंक्रीज इन हाइट हाइट बढ़ना, ठीक है, हाइट का इंक्रीज होना। ठीक है, जैसे बॉयज की फुल हाइट होती है, जैसे आप लीजिए अगर एट इयर्स की बात करें, 8 साल में बात करें बॉयज की, ठीक है, ये बॉयज की मैं बता दूं और ये गर्ल्स की बता दूं मैं, ठीक है, बॉयज की तो 72% तक इंक्रीज हो सकती है और गर्ल्स की होती है 77% तक इंक्रीज। ठीक है, लेकिन 17 एज तक चलते चलते बॉयज की हाइट पहुंच जाती है 99%, ठीक है, और गर्ल की पहुंच जाती है 100% हाइट तक, इतना फर्क हो जाता है। ठीक है, आगे बात करें, ठीक है,
अगर फुल हाइट का कैलकुलेशन आपको निकालना है, ठीक है, फुल हाइट आपको निकालनी है, फुल हाइट का फॉर्मूला है, फुल हाइट यदि निकालनी है सेंटीमीटर में तो आप क्या करोगे, फुल हाइट निकालने का फॉर्मूला है आपकी जो प्रेजेंट हाइट है, अभी प्रेजेंट हाइट जो अभी है, जैसे आपकी प्रेजेंट हाइट कितनी, लेकिन वो सेंटीमीटर में होनी चाहिए, प्रेजेंट हाइट, ठीक है, सेंटीमीटर में, उसमें डिवाइड दे दीजिए, फुल हाइट निकालने का फॉर्मूला, आपकी जो प्रेजेंट हाइट है उसमें डिवाइड दे दीजिए परसेंटेज ऑफ फुल हाइट का, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट लिखिएगा, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, ठीक है, एट दिस एज, ठीक है, एट दिस एज, ओके, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ठीक है, यानी कि आपकी जैसे हाइट है कितनी है, जैसे मान लीजिए 89 सेंटीमीटर है, अपॉन प्रेजेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, मान लीजिए आपकी 12 साल तक है, तो 12 साल तक की फुल हाइट कितनी होनी चाहिए, 12 साल तक की फुल हाइट कितनी होनी चाहिए बच्चों की, तो 84, ठीक है, 84% होती है, मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे डिवाइड लगेगा, आगे समझ में, चलें आगे एक तरफ बात करें, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, तो एडोलसेंस ऑफ पुवर्टी क्लियर होता है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है, आपको बता दें और भी कई सारे डेवलपमेंट होते हैं, जैसे बॉडी शेप में कई चेंजेस हो जाते हैं, और किस किस चेंज इन बॉडी शेप, ठीक है, अगला पॉइंट आता है चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में कई सारे चेंजेस हो जाते हैं, और किस में चेंज है, वॉइस चेंज, आवाज भी चेंज हो जाती है, ठीक है, तो ये एडोलसेंस में चेंजेस हैं, ठीक है, तो भैया बताइए बॉडी शेप में किस तरीके के चेंजेस है, बॉडी शेप यदि ये शोल्डर जो होते हैं, ठीक है, कंधे जो होते हैं शोल्डर, वो कैसे हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, वाइडर हो जाते हैं, ठीक है, कंधे जो होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं, चेस्ट भी वाइड हो जाता है, ठीक है, चेस्ट जो है वो कैसे हो जाता है, वाइड हो जाता है, तो ये कई तरीके के चेंजेस है जो होते रहते हैं, ठीक है, और गर्ल्स में भी कई सारे चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, बॉडी मसल्स में भी प्रोमिनिटी आ जाती है, ठीक है, और बॉडी मसल्स में भी कई सारे चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें भी डेवलपमेंट हो जाता है, वॉइस चेंजेस में क्या है, जो लेरिंग्स होता है पुवर्टी के दौरान, बात करें, ठीक है, एट पुवर्टी, ये सारे हो रहे हैं पुवर्टी के दौरान, ठीक है, एट पुवर्टी जो वॉइस बॉक्स हो सकते हैं जिसे लेरिंग्स बोलता है, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, लेरिंग्स, और इसे क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, ठीक है, वॉइस बॉक्स जो है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, तो एट पुवर्टी बॉयज बॉक्स और लैरिंग्स ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, बॉयज जो है डेवलप लार्जर बॉक्स, मतलब बॉयज में जो है, ठीक है, बॉयज में बात करें तो लार्जर, ठीक है, बॉयज में क्या डेवलप हो जाता है, क्या लार्जर, ठीक है, बॉयज बॉक्स, उनका बॉयज बॉक्स बड़ा हो जाता है, लार्जर डेवलप हो जाता है, ठीक है, और यदि बात करें, ठीक है, इसे एडम्स एप्पल भी बोला जाता है, यानी कि प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ थ्रोट, ठीक है, यानी कि एक बॉयज में जो होता है वो क्या होता है, प्रोट्रूडिंग, प्रोट्रूडिंग, ठीक है, पार्ट, प्रोट्रूडिंग क्या लिखा, प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, THROT, हमारा जो थ्रोट होता है, गला जो होता है, गला का जो प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है उसे एडम्स एप्पल बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसे, एडम्स एप्पल, क्या बोलते हैं उसे, एडम्स एप्पल, ठीक है, यानी प्रोट्रूडिंग पार्ट जो होता है थ्रोट का उसे एडम्स एप्पल बोला जाता है, यानी